बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और डांसिंग से हर किसी का दिल जीतने वाले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नवासी चक्रवर्ती जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करते नजर आने वाले हैं। वहीं इसके साथ फिल्म निर्माता साजिद कुरैशी की बेटी अमरीन कुरैशी भी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए नवासी चक्रवर्ती टाइगर श्रॉफ से भी ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं और ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और आज हम आपको इसी फिल्म बैड बॉय के बारे में बताने जा रहे हैं। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रहे इस फिल्म के पोस्टर को खुद सलमान खान ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। पोस्टर रिलीज करने के साथ सलमान ने इन दोनों नए कलाकारों को उनके करियर की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। वहीं अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए राजकुमार संतोषी ने कहा कि इस फिल्म के पोस्टर की तरह ही बैड बॉय फिल्म की कहानी बहुत ही कसी हुई और मजबूत है। फिल्म में ड्रामा, म्यूजिक, एक्शन, रोमांस जैसे सारे एलिमेंट दर्शकों को देखने को मिलेंगे। मुझे भरोसा है कि कमर्शियल सिनेमा को पसंद करने वाले दर्शक इस फिल्म को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बता दें राजकुमार संतोषी की लंबे समय बाद कोई फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसे लेकर फैंस काफ़ी उत्साहित हैं। बैड बॉय को साजिद कुरैशी और अक्षय जयंती लाल गाड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं बैड बॉय की स्क्रिप्ट से लेकर उसके निर्देशन तक जबरदस्त काम किया हुआ है और अब इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम चालू है। फिल्म में दर्शकों को नमासी और अमरीन के फ्रेश जोड़ी देखने को मिलने वाली है, ऐसे में दर्शकों को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। वहीं फिल्म के फर्स्ट पोस्टर में दोनों का अंदाज हमें देखने को मिला है, दोनों की जोड़ी साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब देखना है कि फिल्म में दोनों अपने एक्टिंग से दर्शकों का कितना दिल जीत पाते हैं। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नवासी चक्रवर्ती इस फिल्म से लोगों के दिलों पर क्या छाप छोड़ते हैं। जैसे टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और लोगों के दिलों में टाइगर ने खास पहचान बनाई थी, क्या नवासी भी टाइगर श्रॉफ को पीछे छोड़ सकते हैं या नहीं, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।